नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फॉर विन चैनल पर। मैं हूं अंकित शाह परमार और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को सामने लेकर आया हूं। जी हां, वो मुद्दा है भर्तियों का, शिक्षक भर्ती, जो कि कई सालों से हम लोगों की आंखें देखने को तरस गई हैं कोई नई शिक्षक भर्ती आई हो। 5 जुलाई को विशाल धरना प्रदर्शन है इस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए। तो आप, मैं और हमारे सभी डीएलएड परिवार के साथी, बीएड परिवार के साथी जो है लखनऊ चलेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, विशाल धरना प्रदर्शन। ये विशाल धरना प्रदर्शन इतना विशाल होगा, इतना विशाल होना चाहिए आपके और हमारे मिलने से इस धरने को इतना विशाल बनाएंगे कि जो सोती हुई सरकार है इसकी भी कान खुल जाए, इसकी भी नींद खुल जाए। तो जी हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह की अगुवाई में हम लोग इस धरना प्रदर्शन को ना तो पूरा करेंगे ही बल्कि हम इसको विजयी तक भी ले जाएंगे। जी हाँ, अब याचना नहीं, रण होगा और इस रण से ही इस सरकार की नींद खुलेगी और हमारे लिए 97,000 भर्ती का नया रास्ता खुलेगा। तो दोस्तों, इस धरना प्रदर्शन में मैं भी शामिल होने वाला हूँ 5 जुलाई को लखनऊ में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक एक लोग, सब लोग संघर्ष करें, एक एक लोग, क्योंकि हर एक एक, जिस तरह से राई के एक एक दाने से पहाड़ बनता है, वैसे ही हम सब लोगों के एक एक मिलने से जो हमारी ताकत है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि सरकार को भी हिला देगी। जी हाँ दोस्तों, तो सोचना नहीं है, 5 जुलाई को लखनऊ चलना है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह जी, जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सभी को एकजुट करने का साहस सभी के अंदर जगा रहे हैं, तो ये साहस की आग अपने दिल में जगाए रहना दोस्तों, और 5 जुलाई लखनऊ चलकर इस सोती हुई सरकार की नींद खोल देना। आपके साथ मैं भी वहां पर मौजूद रहूंगा, आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस धरना प्रदर्शन में, इस लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा। चाहे मुझे लाठियां खाने पड़े, डंडे खाने पड़े, लेकिन मैं इस धरना प्रदर्शन में अपने अभ्यर्थी साथियों के लिए जरूर वहां पर खड़ा रहूंगा, जिससे कि हमारे अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और एक नई शिक्षक भर्ती का मौका उन्हें मिले। तो दोस्तों, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि याचना नहीं, अब रण होगा और अपना अधिकार तो हम लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।